प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा भारत का पाठ 10 करने जा रहे हैं, जो है खेल खेल में। बच्चों, खेल तो आप सभी को पसंद होंगे और आप तरह तरह के खेल खेलते भी होंगे। केवल आप लोग ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी अपने अपने स्तर के अनुसार तरह तरह के खेल खेलते हैं। कुछ खेल घर बैठकर, कुछ खुले मैदानों में या कुछ बंद जगह पर भी खेले जाते हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे कुछ खेलों के विषय में। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। आधुनिक हॉकी की शुरुआत इंग्लैंड के विद्यालयों में 19वीं शताब्दी के आखिर में हुई। हॉकी के खेल में दो टीमें होती हैं। निर्णय देने के लिए रेफरी होता है तथा उसका निर्णय सभी को मानना होता है। एक टीम दूसरे के गोल में हॉकी की गेंद को हॉकी के सहारे डालते हैं तो गोल हो जाता है, और जिस टीम के सर्वाधिक गोल होते हैं वही विजेता टीम होती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं, सन 1928 में पहली बार भारत की टीम ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया और भारत की टीम ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। इस वर्ष से हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल बन गया। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने सन 1936 में बर्लिन में हुए ओलंपिक में हॉकी की टीम का नेतृत्व किया था और भारत की ओर से कुल 36 गोलों में से 11 गोल भी उन्होंने ही किए थे। पहले हॉकी केवल पुरुषों का खेल होता था, पर अब महिलाएं भी हॉकी खेलती हैं। महिला हॉकी वर्ल्ड कप 1974 में हुआ तथा 1980 में सबसे पहले महिला हॉकी को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। बच्चों, अब हम जानते हैं कबड्डी के बारे में। कबड्डी को भारतीय खेल माना जाता है। यह लगभग 2000 वर्ष पुराना खेल है। कबड्डी को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे दक्षिण भारत में कबड्डी को छेड़ू गुडू या हुतूतू कहते हैं। कबड्डी में दो टीमें होती हैं तथा बीच में एक लाइन के और एक और एक टीम तथा दूसरी और दूसरी टीम होती है। इसमें भी निर्णय करने के लिए रेफरी होता है। एक टीम का एक खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी कहता हुआ दूसरी टीम के पाले में जाता है और एक श्वास तक यह कहते कहते किसी खिलाड़ी को छू कर वापस अपने पाले में आ जाता है। जिस खिलाड़ी को छुआ गया है उसे बाहर कर दिया जाता है। अगर खिलाड़ी पकड़ा जाता है और दोबारा सांस विपक्ष के पाले में ले लेता है तो उसे आउट करार दे दिया जाता है। जिस टीम के सारे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं वह टीम हार जाती है। चलो अब जाने शतरंज के बारे में। शतरंज का खेल दो व्यक्तियों के बीच खेला जाता है। इसमें 16 सफ़ेद मोहरे तथा 16 काले मोहरे होती हैं। एक खिलाड़ी सफ़ेद तथा दूसरे काले मोहरों से खेलता है। दोनों खिलाड़ी अपने मोहरों को बिसात पर रखते हैं और इसमें अपनी मोहरों को चलने के लिए सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। शतरंज भारत का एक प्राचीन खेल है जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी। इसे प्राचीन भारत में चतुरंग नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है चार अंग या सेना के सदस्य, जैसे हाथी, घोड़े, ऊंट तथा पैदल सैनिक। एक खिलाड़ी के मोहरों में एक बादशाह, एक वजीर, दो हाथी, दो घोड़े, दो ऊंट तथा 8 प्यादे होते हैं। भारत से यह खेल फ्रांस पहुंचा और फिर अरब देशों में गया, जहां इसका नाम शतरंज पड़ा। आधुनिक काल में इसे खेलने की विधि पहले से बदल गई है और यह खेल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाता है। हमारे देश के युवा खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद शतरंज के अंतर्राष्ट्रीय विजेता हैं। इन्हें 17 वर्ष की आयु में ही ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिल गई थी। बच्चों, अब हम जानेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध खेल के बारे में, जिसे क्रिकेट कहते हैं। इसकी शुरुआत इंग्लैंड देश में हुई और धीरे धीरे यह खेल लगभग पूरी दुनिया में फैल गया है। भारत में यह बहुत ही प्रचलित खेल है। इसे गांव से लेकर शहरों तक, गली मोहल्ले व खुली जगह पर हर जगह खेला जाता है।
हमारे देश के सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ तथा महेंद्र सिंह धोनी विश्व में क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। क्रिकेट खेलने के लिए एक गेंद तथा एक बल्ले की आवश्यकता होती है। इसकी प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। निर्णायक के रूप में अंपायर होता है, जिसका फैसला सभी को मानना पड़ता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रिकेट का एक मुख्य मुकाबला है, जिसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। भारत ने 1983 तथा 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट कैसे खेला जाता है? टेस्ट मैच एक दिवसीय तथा 20 ओवर के मैच, यानी 20-20 मैच। आप लोगों ने भी कभी ना कभी अपने घर या विद्यालय में क्रिकेट अवश्य देखा होगा या खेला होगा। चलिए अब जानते हैं सबसे पुराने सामूहिक खेल को, जिसका नाम है पोलो। 600 ईसा पूर्व से यह खेल इतिहास में दर्ज है, पर आधुनिक पोलो प्राचीन मैच से काफ़ी बदला हुआ है। यह घोड़ों के ऊपर बैठकर धरातल पर खेला जाने वाला खेल है। घोड़े के ऊपर बैठकर लकड़ी की स्टिक से बॉल से गोल करते हैं। लद्दाख में गधों पर बैठकर जो खेल खेला जाता है, वह भी कुछ कुछ पोलो से मिलता जुलता है। पानी में भी एक तरह का पोलो खेला जाता है। अब हम चलते हैं वॉलीबॉल को जानने की तरफ। इस खेल में भी दो टीमें होती हैं। प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। मैदान के बीच में एक जाल बांध दिया जाता है। एक बड़े आकार की गेंद से दोनों टीमें खेलती हैं। इसमें भी निर्णय रेफरी के द्वारा किया जाता है। इसमें टीम का एक खिलाड़ी गेंद को हाथ से उछालकर जाल के दूसरी ओर फेंकता है। यदि दूसरी टीम का खिलाड़ी हाथ से उस गेंद को पहली टीम के पास नहीं पहुंचा पाता, तो पहली टीम को एक अंक प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी टीम के सबसे पहले 21 अंक हो जाते हैं, तो मैच पाले बदलकर पुनः खेला जाता है। जो टीम पुनः 21 अंक ले लेती है, वह विजेता घोषित की जाती है। इस खेल को सबसे पहले 1895 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था। आजकल यह दुनिया के सभी देशों में खेला जाता है और यह खेल महिलाओं में भी बहुत प्रचलित है। बच्चों, अब जानते हैं एक और विश्व प्रसिद्ध खेल के बारे में, जो है फुटबॉल। यह पूरे यूरोप, दक्षिण अमेरिका तथा अन्य देशों में बहुत ही खेले जाने वाला खेल है। सबसे पहले 1930 में फुटबॉल का विश्व कप हुआ था। इस खेल को एक बड़े मैदान में खेला जाता है, जिसमें दो टीमें होती हैं। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। मैदान के बीच की रेखा के दोनों ओर दो पाले बनाए जाते हैं। प्रत्येक पाले के मध्य में गोल का एक निश्चित स्थान होता है। एक बड़े आकार की गेंद, जिसका व्यास लगभग 27 सेंटीमीटर होता है, उसको पैर या सिर के द्वारा मार कर ही खेला जाता है। इस खेल में गेंद को हाथ लगाना वर्जित होता है। दोनों टीमें गेम को अपने प्रतिद्वंद्वी के गोल में ले जाने का प्रयास करती हैं। जो टीम खेल के निश्चित समय में सर्वाधिक गोल कर देती है, वह टीम विजेता घोषित कर दी जाती है। दक्षिण अमेरिका के खिलाड़ी इस खेल में विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। इसमें ब्राज़ील के पेले तथा अर्जेंटीना के माराडोना जैसे खिलाड़ी विश्व विख्यात खिलाड़ियों में से हैं। बच्चों, इन खेलों के अलावा भी और भी कई खेल होते हैं। कुछ खेल ऐसे भी हैं जो पानी, हवा या बर्फ़ पर खेले जाते हैं। जैसे तैराकी के सभी खेल पानी में खेले जाने वाले हैं। हवा में ग्लाइडिंग तथा बर्फ़ पर स्कीइंग जैसे खेल खेले जाते हैं। इसी प्रकार कुश्ती, जूडो, कराटे, कुंग फू, मार्शल आर्ट आत्मरक्षक खेलों में आते हैं। प्रत्येक खेल में कुछ नियम होते हैं और खिलाड़ियों को उन नियमों का पालन करना होता है। नियम तोड़ने एवं हार जीत का निर्णय खेल में संबंधित निर्णायक रेफरी करता है। हार जीत प्रत्येक खेल में होती है, परंतु सबसे ऊपर है खिलाड़ियों में खेल भावना। बच्चों, यह तो आप सबको पता ही है कि खेल खेलने में हम सबको आनंद आता है,
लेकिन खेल से केवल आनंद ही नहीं और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे खेल खेल में सोचना, रणनीति बनाना, समूह में काम करना और नए कौशल प्राप्त करना आदि। खेलों से हमारा शरीर भी चुस्त व स्वस्थ रहता है, इसीलिए हम सभी को किसी न किसी प्रकार के खेल में अवश्य भाग लेना चाहिए। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का पाठ आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि खेल सभी बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। बच्चों, आप अपनी ऑनलाइन कक्षा में अपनी अध्यापिका तथा कक्षा के अन्य बच्चों के साथ अपने पसंदीदा खेल के विषय में अवश्य चर्चा करें। तो चलिए, अब हम मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए पाठ के साथ। तब तक आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।